नमस्ते, मैं दामिनी ददाल योग इंस्टीट्यूट से। आज हम दो प्राणायाम करेंगे जो रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए काफ़ी काम आते हैं। पहला प्राणायाम है जो हमारे फेफड़े जो शोल्डर्स के नीचे जाते हैं वहाँ हवा पहुँचाता है, और दूसरा जो प्राणायाम है हमारी जो पसलिया है उसके अंदर जो फेफड़े पहुँचते हैं वहाँ आम तरह से हवा पहुँचती नहीं है। तो ये दूसरा प्राणायाम फेफड़े जो पसली के नीचे वहाँ हवा पहुँचाता है। तो आइए करते हैं पहला प्राणायाम, उसको कहते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। उसके लिए हमारी ये चार उंगलियाँ है वो आगे रहेगी, जो हमारा अंगूठा है वो पीछे, हाथ सीधे रहेंगे यानी ये सीधा रहेगा। देखिए कि आपके हाथ ऊपर ना हो नीचे ना हो, सीधे हो। आराम से बैठिए, पीठ भी सीधा होना है और श्वास लेना है 4 सेकंड अंदर और छोड़ना है 4 सेकंड के लिए। आप देखिए जी, अभी आपने देखा होगा कि जब भी मैंने ये प्राणायाम किया तो पूरे खभे उठे, जब भी श्वास अंदर लिया और छोड़ा तो आराम से खभे नीचे आ गए। जो दूसरा प्राणायाम है उन्हें कहते हैं इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, यानी जो इंटरकॉस्टल मसल्स यानी जो पसलियाँ है वहाँ उनके अंदर हवा भरनी है। तो उसके लिए हाथ जो है उंगलियाँ आगे, अंगूठा पीछे, और यहाँ जो हाथ ऐसे पीछे ना हो, हाथ आगे ना हो, हाथ सीधे रहे और आंख बंद करके कीजिए, बहुत फायदा होगा। श्वास 4 सेकंड अंदर लेना है और 4 सेकंड छोड़ना है। ये दो प्राणायाम करने से आपको ज़रूर राहत मिलेगी, नियमित रूप से कीजिए। ज़्यादा टिप्स लेने के लिए गुरु महंसा जी से आप आगे सुनिए। नमस्कार, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए अमुक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सांस लंबी अंदर लें, लंबी छोड़ें, इसकी आदत दिन में बहुत बार डालिए। जस्ट याद रखिए एक लंबा सांस ले लिए, अल्टरनेट ब्रीदिंग बहुत ही फायदा करेगा, उससे आवाज़ नाक ये सब सही है या नहीं समझ में आएगा, और ना हो तो उसका जड़ से इलाज करें। गर्म पानी की थैली का अगर फेस पे सेक कर लिया जाए तो ये सारे एरिया हेल्दी रहेंगे, साइनसेस ठीक रहेंगी। ज़रूरी है कि बैठकर सोने की आदत डालिए, जिसको हम कहते हैं निस्पंद भाव, सोना या कम से कम आराम करना। सांस खुल के नहीं चलती अगर आप लेट जाते हो, तो बैठकर जब आराम करते हो तो सांस अच्छी चलती है और उसके बाद में लेटें। तो ये सांस के बारे में जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है और अपने आप ये चीज़ें सही होंगी। नमस्कार।